अल्लाह बरकातहू। ये देखिए, ये मदीना का ये टॉप 10 मॉल है। माशाल्लाह यहाँ पे ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है। और यहाँ पे एक ख़ास चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये मॉल के आगे में ये सारे शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, ओपन मार्केट है। यहाँ पे तकरीबन कुछ कुछ सामान जो है जो मॉल के अंदर भी मिलती है वो बाहर मिल जाती है। ये माशाल्लाह ये मॉल ऑनर का इतना बड़ा अल्लाह ताला दिल दिए हैं कि कभी इसको बोले नहीं है कि ये लोगों को कि तुम यहाँ से सामने से आगे हट जाओ यहाँ से, क्योंकि एंट्रेंस के सामने में भी ये शॉप है। अब जैसा देख रहे हैं, बच्चों के खिलौना है, बैग्स हैं, तकरीबन ज़रूरत के बहुत सारे सामान भी हैं। और ये एंट्रेंस के सामने है, और इनका ये कहना है कि जो मेरे नसीब में रहेगा रिस्क वो आएगा, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, भले आप मॉल के गेट के बाहर भी दुकान लगाओ या मॉल के अंदर लगाओ। अल्लाह ताला ये मॉल वाले को बड़ा जो है जज़ाए खैर दे कि इन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस वाले को भी ख्याल रखा है, छोटे बिजनेस वाले को। अमूमन ये होता है कि मॉल के सामने में ये पाबंदी रहती है कि यहाँ पे आप उसके सामने कुछ बस्ता नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने ये लगाने का ये परमिशन दिया। ये बहुत बड़ा जो है दिल वाला ही कोई कर सकता है। सुभान अल्लाह। ये देखें एंट्रेंस है, एंट्रेंस के सामने कि यहाँ पे किसी भी आदमी को कोई तकलीफ़ भी नहीं है। और ये देखें मेन रोड भी है। सुभान अल्लाह। जो रिस्क है जिसके नसीब में है वो मिलेगा ही, चाहे आप जबल पे करें। ये देखें सामने जो है ये शोहदा ओहद है, ओहद पहाड़ के सामने में ये लोकेशन है। और ये सामने जो रास्ता है मंजिल नबी का रास्ता है,